लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जी बिल्कुल रेंज को किसी पर। बोलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही है सुजीत जी। अभी ठीक है? हाँ सर, कट रहा है आवाज। हाँ सर, मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके? हाँ हेलो, आवाज सही है मेरी? हाँ सर, अभी सही है। ओके चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपके साथ कि किस तरीके से हम यूज करेंगे रेंज ऑब्जेक्ट का। तो लास्ट क्लासेस में रेंज के बारे में समझाया था और रेंज के बारे में ये भी बताया था कि हम एक सेल पे वैल्यू कैसे डालते हैं। हेलो, कैसे क्या है? तो आज हम वीडियो इस पे फोन पे भी डाउनलोड हो? क्या फोन पे डाउनलोड हो सकती है? जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, फोन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, रिकॉर्ड सिस्टम। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल पे कैसे लोड करेंगे, इसके बारे में चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास A2 की वैल्यू है, उसको D2 पे स्टोर करना है, तो ध्यान रखिएगा कि आप सिंपल लिखिए रेंज A, जिस पे टाइप होगा वो यहां लिखा आएगा D2 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज A2 डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान और देने वाली बात है कि अगर सेम सीट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट डिफरेंट सीट पे हुआ इसका आगे सीट का रेफरेंस लगाएंगे दोनों तरफ, और डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक का हुआ तो वर्कबुक का भी सेम काम करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। दूसरा ये भी होता है, जैसे कि मैंने कल की परसों की क्लास में बताया था कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू हम कुछ लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेंज ए वन, और बिना दिए हुए डायरेक्ट यहां पे हम कुछ लिख सकते हैं। यहां पे इक्वल लगाना था, माफ कीजिएगा। और एक तरीका और है कि रेंज ए वन डॉट फॉर्मूला इक्वल टू लिख सकते हैं। तो नॉर्मली वैल्यू डालने में कोई डिफरेंट फर्क नहीं है, लेकिन अगर कहीं से वैल्यू पिक कर रहे हैं तो आपका वैल्यू अनफॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट कुछ नहीं दोगे तो डायरेक्ट वैल्यू उठाएगा, या आपका वैल्यू एंड फॉर्मूला में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इसी को हम ले लेते हैं कि अभी अगर बात करें कि हमने ए टू डी टू किया, तो इसमें अगर मान लीजिए हमारे एक्सेल शीट में कि जो A2 है वो एक किसी फॉर्मूला से रिजल्ट दे रहा है, तो अभी जो हमने क्या डाला हुआ है डॉट वैल्यू, यहां पे हमने डाला हुआ है डॉट वैल्यू, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि यहां पे आपको सिर्फ 70 को टाइप करेगा, लेकिन इसमें अगर मैं डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फॉर्मूला कर दिया फॉर्मूला कर दिया तो आप देखोगे कि यहां पे जो डलेगा 70 नहीं, यहां पे इक्वल 10 प्लस 60 डलेगा, मतलब कि इसकी फॉर्मूला है। इसका ध्यान आप डेटा टाइप करते समय ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आज एक चीज करने वाले हैं आपके साथ, छोटा सा वर्क होगा लेकिन आपको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आपको अपना होमवर्क करना है। ठीक है,
तो जैसे कि मेरे पास दो डेट दो स्वीट है, एक है हमारा फॉर्म और दूसरा है हमारे पास डेटा। तो मुझे यहां पे क्या एंट्री करनी है, यहां सबसे पहले तो सीरियल नंबर देना है, डेट देना है, टाइम देना है और फिर नेम, सिटी और यहां पे अमाउंट देना है। ठीक है, अब मेरे फॉर्म वाले में एक फॉर्म का फॉर्मेट है, हालांकि फॉर्म का फॉर्मेट है लेकिन मैं नॉर्मली यहां बना देता हूं, लेकिन मान लीजिए फॉर्म का फॉर्मेट है। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों में जो भी एंट्री करूं मैं, और मैं बटन यहां बनाऊं, उस बटन पे एक क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा यहां पे एंट्री हो जाए, नेम, सिटी एंड अमाउंट। और जब एंट्री हो तो उस ऑटोमेटिक एक सीरियल नंबर जनरेट करे, जिस दिन एंट्री हो रही है उस दिन का दिन डाले और जिस टाइम पे एंट्री हो रही है उस टाइम यहां एंट्री करते डिफॉल्ट, और हर एक के नीचे एक के नीचे करते जाए जैसे नॉर्मली हम फॉर्म में करते हैं उस तरह से। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आया सर? हाँ सर। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे मैं मैक्रो बनाता हूं, उसका नाम देता हूं सेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहां पे मैं देता हूं सबसे पहले कि सीट्स, सीट्स में हम देंगे डेटा डॉट, नहीं उससे पहले मुझे यहां पे ये चाहिए ना सीरियल नंबर, तो एस इक्वल टू यहां डाल दी मैंने एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और मैक्स में माइक को ओपन कर लिया। ठीक है, मैक्स और इसमें देता हूं सीट्स, सीट्स में डेटा और इसका जो रेंज होगा वो हमने यहाँ पे रेंज दे दिया पूरे ए से। अब बोलोगे क्या है, तो मैक्स एक्सेल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेन फॉर्मूला। तो लेन फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, राइट लेफ्ट मिड इस तरह डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट मैक्स फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चला, मैक्स लिख के स्पेस दिया, ब्रैकेट ओपन किया, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, एक्सप्रेशन नहीं आया इसका मतलब वो वीवीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो फॉर्मूला डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है उस फॉर्मूले को हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन से उसको कॉल करते हैं तो लग जाता है। अब एस क्या है, हालांकि फॉर्मूला कहीं भी स्टोर होगा तो उसको एक सेविंग लोकेशन चाहिए, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सर? नहीं, डिक्लेयर करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, और वो बताऊंगा जब वेरिएबल पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल तुम ऐसे ही डाल देते हैं, एस डाल दिया। ठीक है, ओके। तो एक एस नाम का, इससे इसके बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, तो जो भी काउंट मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एस पे स्टोर हो जाएगा सीरियल नंबर की। अब मैं यहां डालूंगा सीट्स, और सीट्स में दिया मैंने डेटा, और डेटा मैंने दिया डॉट रेंज,
रेंज में 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एस प्लस 1। अब ये लाइन किसको समझ में नहीं आया? समझा सर, किसी को डाउट है इस लाइन में? नहीं है, चलिए। तो ये क्या करेगा, सीरियल नंबर 1, 2 जो भी है वो दे देगा। फिर हमने सेम किया और यहां पे 0 कर दिया और यहां पे 1 किया और मैंने इक्वल टू कर दिया डेट। अब ए लाइन समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? चलिए होगा फिर बता देता हूं। जैसे कि ए ऊपर वाला लाइन क्या किया, ए लाइन किया कि डेटा में गया और नीचे से ऊपर की तरफ गया, एक यहां आके इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी उसमें एक ऐड करके यहां डाल दे। फिर दूसरा लाइन क्या करेगा कि नीचे से सेम ऊपर जाएगा। तो अभी जो ऊपर गया तो मतलब कि लास्ट एंट्री पे गया हो जहां सीरियल नंबर डाला हुआ है। अभी जो डेट डालना है उसके नीचे नहीं डालना है, उसके सामने डालना है, समझे? तो इसके सामने डेट डाल दे। इसलिए हमने यहां पे हमारे कोड में आपने देखा कि मैं यहां पे रो को 0 रखा, कॉलन को 1 किया कि भाई हमें कॉलन आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने 2 कर दिया टाइम के लिए, मतलब कि ये यहां से ऊपर जाएगा फिर 1, 2 यहां पे टाइम डालेगा। तो टाइम कैसे डालेगा, तो हमारे पास टाइम डेट का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट डालता है, बट सिर्फ टाइम का फॉर्मूला नहीं, नाउ का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों डालता है। तो फिर हम यहां पे फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मेट फॉर्मूला को बोलेंगे नाउ, इसमें से एच एच एम एम और एस एस को अलग कर, ठीक है, तो टाइम डाल दे। फिर हमने यहां पे एक तीसरा नंबर वैल्यू दिया और यहां पे मैंने बोला कि रेंज बी फोर डॉट वैल्यू। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि इसके आगे हम सीट्स क्यों नहीं लगाए, B4 तो यही है ना नेम हमारा फॉर्म में, लेकिन इसके आगे हम सीट क्यों नहीं लगाए। तो जैसे कि थ्योरी कहता है कि अगर इसके आगे सीट नहीं लगाते हो तो एक्टिव सीट का रेफरेंस ले लेता है। तो हम जो बना रहे हैं वो एक फॉर्म है, तो यहां इस माइक्रो को रन जब करेंगे तो सीट पे आके बटन पे क्लिक करके रन करेंगे ना, मतलब कि फॉर्म हमारा एक्टिवेट होगा। इसके आगे फॉर्म लगाना जरूरी नहीं है, बट आप लगा सकते हो, लगाने से कोई नुकसान नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कोडिंग करते समय ऐसी सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा ताकि आप कॉम्प्लेक्सिटी से बच सके, मतलब कि अनवांटेड कोड से बच सके। फाइव और यहां पे 8 B8। अब बात यहां पे आती है कि मुझे कंफर्मेशन भी तो चाहिए, यहां हो गया है तो MMSG बॉक्स लगा देते हैं और इसमें बोलते हैं कि योर डेटा हैव सेल, ठीक है। और फिर वापस हम करेंगे कि रेंज V4 कॉमा B6 कॉमा V8, तीन कॉमा इसी तरह अंदर में क्यों दिए, डॉट क्लियर कंटेन। तो ये जो सिलेक्ट है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप देते हैं स्टार्टिंग एंडिंग तो पूरा लेते हैं, बट इन्वर्टेड कॉमा में अगर कॉमा कॉमा करके डालते हैं
तो क्या होता है, वो कंट्रोल के साथ जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, वो उठा लेता है, वो समझता है। तो क्लियर फॉर्म लगेगा। अब मैं डेवलपर में जा रहा हूं और कोई बटन डिजाइन कर रहा हूं, यहां से फॉर्म कंट्रोल, यहां एक्टिवेस कंट्रोल करोगे तो कोड लिखना पड़ेगा। फॉर्म कंट्रोल पे गया और यहां पे हमने बटन डिजाइन कर दिए और यहां में सेंड को असाइन, जब बटन डिजाइन करेंगे तो आपसे पूछेगा असाइन मैक्रो, तो हमने यहां पे सेंड को सिलेक्ट करके ओके कर दिया और इसका नाम जो है हम दे दिया, जैसे कि मैं दे दिया सेव। अब मैं यहां पे कोई डेटा देता हूं, जैसे मैंने दे दिया यहां पे पूजा, सिटी दे दिया मैं जीजीएन और अमाउंट हम कुछ ऐसे डाल देते। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए योर डेटा हैज सेव्ड, ओके किया, इसने क्लियर कर दिया और डेटा बार में देखिए जाके डेटा एंट्री हो चुका है। ठीक है, फिर यहां पे दूसरा एंट्री करता हूं, मैं लिखता हूं उदय नोएडा और हमने अमाउंट यहां पे डाल दिया, सेव, ओके। अच्छा सुजीत जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे अमाउंट किया है वहाँ अमाउंट पे अगर हमने नंबर की जगह पे टेक्स्ट डाल दिया तो वो सेव हो जाएगा वैसे ही? अभी तो सेव हो जाएगा। अच्छा, तो हम उस पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि वो सिर्फ हमको नंबर ही वहाँ पे इनपुट ले? वो तो कोडिंग में भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ डाल सकते हो ना, डेटा वैलिडेशन में डायरेक्ट कर दीजिए कि यहाँ पे होल नंबर, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, हो गया इक्वल। अब यहाँ पे वो टेक्स्ट डाल ही नहीं पाएगा, जब टेक्स्ट डाल के जैसे एंटर मारेगा प्रॉब्लम आ जाएगी। राइट, एक मिनट, देखिए हमने कुछ गलत कर दिया वहां पे, डेटा वेरिएशन में जीरो कर दिया वहां पे, ग्रेटर देन, हां करेक्ट। ठीक है, ये कर सकते हो या फिर आप ईवीएस करना चाहते हो तो फिर इफ फॉर्म इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, जो कि आपको आगे की टॉपिक है, जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी आपको मैं सिंपल डेटा सेंडिंग मेथड बताया, मतलब कि एक सीड से दूसरे सीड के डेटा को कैसे भेजो। ठीक है, ठीक है, एक सीड से दूसरे सीड पे डेटा को कैसे आप भेजोगे, एक इसका दो पार्ट है, पहला पार्ट है आपका ये, दूसरा पार्ट इसका आता है कॉपी पेस्ट के जरिए। अभी आपने क्या किया, वैल्यू और साइन के जरिए, दूसरा पार्ट आता है कॉपी पेस्ट के जरिए, मतलब कि एक शीट पे डेटा दूसरे शीट पे वाया कॉपी पेस्ट कैसे ले, क्योंकि ये तो सिंगल डेटा है इसमें कॉपी कर दिए, लेकिन हम मान लीजिए कि आपके पास 10,000 डेटा उठाकर दूसरे शीट पे रखना है तो 10,000 बार चलाओगे तो काफी ज्यादा लूप लगेगा, तो जनरली कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो हम आपको आगे बताएंगे, अभी नहीं। इसमें आपको दो चीज करना है, अभी जो आप देख रहे हैं ये तो सिंपल फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, सिंपल सा, आपको क्या करना है कि एक ऑफिशियल फॉर्म बनाना, कोई भी एक ऑफिशियल फॉर्म गूगल से उठा लो और बना लो। ठीक है, जैसे जीमेल ईमेल आईडी बनाने वाली फॉर्म होती है, एक फॉर्म लगना चाहिए फॉर्म टाइप, ठीक है ना, उसके डेटा को स्टोर कराइए दूसरे शीट में। ठीक है, इसके जब होने के बाद अभी आप क्या करना है कि अभी क्या है कि डेटा और फॉर्म दोनों एक ही फाइल में है क्या? अब आपको जो करना है इसमें कि डेटा को अलग और फॉर्म को अलग करना है, समझे? डेटा को अलग और इसको अलग करना, सीट को, मतलब कि फॉर्म अलग फाइल में अलग लोकेशन पे है और डेटा अलग फाइल में अलग लोकेशन पे है, और फॉर्म पे डेटा डाल के सेव पे क्लिक करे तो मेरा डेटा जो डेटा वाली फाइल है जो किसी और लोकेशन में उसके में जाके सेव है। तो दो जो असाइनमेंट है इस वीकेंड्स के लिए आपको मैं दे रहा हूं और साथ ही मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कल 11 बजे वीबीए की रिफ्रेश क्लास में, जहां हम अभी तक जो पढ़ाई किए हैं उसकी रिवीजन करेंगे। कितना बजे सर?
सुबह 11 बजे ओके ठीक है ठीक है जी। आप लोगों को मैं मेल कर दूंगा, आना होगा तो आ जाइएगा। ये आपकी क्लास नहीं है, किसी और की क्लास है, बस आप जो है रिवीजन के लिए आ सकते हैं। अच्छा गेस्ट अपीयरेंस है ठीक है सर। सुजीत जी इसमें यही रहेगा जो आज तक हमने किया बीबीए का? हाँ कल बीबीए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपसे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, और डिपेंड करता है स्पीड पे और पढ़ाई पे। हो सकता है कि आपसे आगे टॉपिक चला जाए, हो सकता है कि आपसे पीछे रहे। ओके कल पहला क्लास है। ओके बाय, गुड नाइट।